हरिओम। ओम मन सामर्थ्य दाता श्री अनिरुद्धाय नमः। मैं सुषमा विरा सरनाइक, आज जो मैं अनुभव बोलने वाली हूँ ये घटना 1997 की है। 19 जून 1997, 16 साल हुए आज। ये दिन मेरे जीवन का सबसे खराब दिन था। ये दिन को मेरी एक सिस्टर थी, छोटी सिस्टर, 3 साल से मुझसे छोटी थी। वो भारत पेट्रोलियम में काम करती थी और उसके हस्बैंड मरीन इंजीनियर थे, वो शिप पे काम करते थे। और मेरी सिस्टर उनके साथ 6 महीना घूमने के लिए गई थी बाहर। जब भी वो शिप बॉम्बे में आई, वो दिन था 16 जून 1997, और कंपनी का फ़ोन आया कि तुम्हारे लोग आए लेकिन बर्थ नहीं मिल रहा है समुंदर में, इसके लिए समुंदर में ही एंकर डाल के वो शिप खड़ी है, जब भी बर्थ मिलेगा तभी वो घर पे आएंगे। तो हम लोग इतने खुश थे, वो लोग अभी आएंगे, 3-4 दिन में आएंगे, उनको जो जो अच्छा लगता है वो मेरे मम्मी ने बनाया था सब। और सब लोग अभी कभी आते हैं कभी आते हैं ऐसे वेट कर रहे थे। और वही दिन आया 19 जून 1997। उस दिन मैं ऑफिस में थी और मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया ऑफिस में। उसने फ़ोन ऐसे किया कि अपनी संगू, उसका नाम था संगीता, संगू की शिप डूब गई और वो नहीं है अभी। वो सब सुन के क्या हुआ आपको आप समझ सकते हैं। उसकी बॉडी लास्ट तक नहीं मिली, उसके हस्बैंड की बॉडी नेक्स्ट डे सातपाठी, एक गांव है वो सातपाठी गांव में, उधर उनकी बॉडी मिली। और वो भी बॉडी कैसी थी, सिर्फ शूज़ के कारण हम लोग उनको पहचान सके। उनका फेस तो सब मछलियों ने खाया था और हम पहचान भी नहीं सकते थे। और मेरी सिस्टर की बॉडी लास्ट तक नहीं मिली। तो मेरी मम्मी की हालत एकदम ख़राब थी, वो हार्ट पेशेंट थी। और ये सब सुन के मेरे डैडी भी मरीन इंजीनियर थे, उनको इतना शौक लगा, उनको एक ही दिन में 3 अटैक आके वो भी गए। तो हमारे घर में तीन डेथ एक साथ। इसके कारण हम तीनों का, मेरा, मेरा मम्मी का और मेरा भाई का, भगवान के ऊपर का विश्वास ही उड़ गया। भगवान ही नहीं है, अगर है तो इतना दुख देने के बाद वो हम लोगों को अभी सहन करने के लिए शक्ति तो दो, ये सब ऐसे में भगवान के साथ झगड़ा करती थी। ऐसे करके करके 6 महीना हुआ। मेरी मम्मी तो पूरी पागल हुई थी, वो बोल रही थी कि देखो किधर उसकी बॉडी किनारे पे लगी होगी, जरा देखो। लेकिन क्या कैसे हम लोग उसको समझाने का, समझ में नहीं आ रहा था। मेरा भाई भी काम को जाने लगा और बाद में वो अकेली थी घर में, क्या करने का समझ में नहीं आ रहा था। और अभी 6 महीने के बाद मैं ऑफिस में ऐसे ही रो रही थी और मेरी एक फ्रेंड अक्षता आचरेकर वो आई और ऐसे, कितना दिन तू अभी सुषमा रोने वाली है, अभी तू एक काम कर, तू मेरे बापू के पास चल। तभी मैंने उसको पूछा कौन है ये बापू, तो बोली है डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी, उनके प्रवचन के लिए चल, एक गुरुवार चल मेरे साथ, देख क्या होता है। तो बोले अरे वो क्या करेंगे, वो तो अपने जैसे मानव है, अगर मेरे गजानन महाराज, मेरे साई बाबा कुछ नहीं कर सके तो वो क्या करेंगे। तो बोले तो मेरे लिए एक गुरुवार, सिर्फ एक गुरुवार, उसके बाद मैं कभी नहीं बताऊंगी तुझे, उधर चल। तो और उसने मुझे फोटो दी, मेरे ड्रॉवर में एक साइड में साई बाबा और एक साइड में गजानन महाराज, और बीच में उसने वो बापू की फ़ोटो रखी और बोली तू चल मेरे साथ। उसने इतना फोर्स किया तो मैं बोली चलो, ये इतने बोलती है तो जाके तो देखेंगे। मैंने घर में बोला, वो टाइम वो प्रवचन स्वामी समर्थ दादर में, स्वामी समर्थ व्यायाम मंदिर जो हॉल है उसमें होता था, और 9 to 10:30 ये प्रवचन का टाइमिंग था। तो मेरे घर में पहले उन्होंने ना ही बोला, फिर भी मैंने बोली नहीं मैं जाऊंगी, क्योंकि वो इतना फोर्स करिए जाके तो देखती हूँ। उधर गई तो बापू आए, बापू व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट अपने जैसे ही। बोले क्या इतने लोग क्यों जमा हुए, क्या है इतना, इनका प्रवचन क्या होता है। बैठे, विष्णु सहस्त्र नाम का नाम लिया और उन्होंने स्टार्ट किया। और विष्णु सहस्त्र नाम से वो बोलते बोलते गए और वो बोल रहे थे तब तक मुझे ऐसा लग रहा था ये दुनिया में सिर्फ मैं ही दुखी हूँ, मेरा इतना दुख किसी को भी नहीं है। और मुझे भगवान के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था,
और बापू बोल रहे थे दुख दुख दुख, इतना दुख का, कितना दुख को लेके बैठे बैठोगे, जरा आजू बाजू में देखो कितने दुख लोग दुखी है, उनका दुख देखो तो आपका दुख हल्का हो जाएगा। वो क्षण मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ बापू और मैं, हम दो दोनों ही इधर बैठे हैं, बाकी कोई नहीं है। और उस ये प्रवचन के बाद सबको चरण स्पर्श होता मिलता था, तभी अभी नहीं हो सकता है, लेकिन वो टाइम सबको चरण स्पर्श मिल रहा था। और मैं, मेरा सिर बापू के चरणों पे था और मैं बापू को बोल रही थी मन में ही कि बापू मुझे आज 6 महीने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये आपका टाइमिंग 9 to 10:30 और दादर से मरोल जाना, मरोल वो टाइम 16 साल पहले एक ही बस, वो भी एक एक घंटे के बाद, मीन्स फ्रिक्वेंसी भी बहुत कम थी, बापू ये पॉसिबल नहीं है, तो बापू कुछ तो करो। बस ये सब पूरे विचार मेरे मन में आ रहे थे। और मैं घर में गई, घर में 1 बजा, और घर में भी मुझे थोड़ी डांट मिली, नेक्स्ट थर्सडे से जाने का नहीं, कितना लेट हुआ। तो मुझे ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट दिन मीन्स फ्राइडे वही फ्रेंड मेरी आई और मुझे पूछने लगी कैसे लगा बापू का प्रवचन। मैंने, मुझे 6 महीनों के बाद कुछ तो हलचल हुई मेरे दिल में, कुछ तो है, लेकिन मैं नहीं आ सकती है क्योंकि 9 to 10:30 टाइमिंग मुझे जमने वाले ही नहीं है। तो बोले ठीक है ना, लेकिन तू मुझे क्यों बोल रही है, इनको बोलो, जो बीच में फोटो रखा था वो इनको बोलो। तो बोले इनको बोलने से होता है क्या, तो तू बोल के तो देख। और मैंने सच्ची, हाँ, ऐसे मालूम नहीं मुझे, मेरे दिल में ऐसे कुछ भी नहीं, बापू ये टाइमिंग जरा जल्दी करो, बस इतना ही बोला। और नेक्स्ट थर्सडे मैं नहीं गई, फ्राइडे फिर से वो आई और वो बोलती है क्या हुआ तुझे मालूम है, तूने बापू को क्या बोला था। मैं बोले हाँ, ये प्रवचन का टाइमिंग जरा चेंज करो, कल अनाउंसमेंट हुई, वो बोल रही थी कल अनाउंसमेंट हुई कि अभी नेक्स्ट गुरुवार से प्रवचन 7:30, जो 9 का टाइमिंग वो 1.5 घंटा पहले हुआ, और वो भी डिसिल्वा हाई स्कूल स्टेशन के एकदम बाहर। तो मैं बोले अरे, सिर्फ एक गुरुवार, आज मुझे मालूम पड़ा है कि एक छोटा सा मरोल सेंटर, जब भी अगर वो जगह चेंज करने की है तो कितना मुझे सब करना पड़ता है, ये ट्रस्टी को मिलने का है, वो ट्रस्टी, ये लेटर वो लेटर, और मैं इधर एक गुरुवार बोलती हूँ और सिर्फ एक बीच में एक ही गुरुवार गया और जगह चेंज, कुछ तो है, कुछ तो है, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा। और मैं गई, जिस नेक्स्ट गुरुवार मैं उधर गई तो उधर अनाउंसमेंट हो रही थी, अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो बापू को आप लेटर लिख सकते। मैं घर में गई और 4 फुलस्केप बापू को लेटर लिखा, बापू मेरी सिस्टर की बॉडी नहीं मिल रही है, अगर वो जिंदा है कि नहीं इतना बोलो, मेरी मम्मी मम्मी को बाहर निकालो, उसकी स्थिति मैं नहीं देख सकती हूँ, उसके कारण मैंने बाद में जॉब भी छोड़ दिया, मेरे मम्मी को इसमें से बाहर निकालो। तीसरी तीसरी बात थी, मैं सो नहीं सकती थी, जब भी मैं सोने के लिए जाती थी तो मुझे समुंदर की वो सब वेव्स दिख रही थी, बड़े बड़े वेव्स आ रहे ऐसे दिख रहे थे, नींद नहीं आती थी। और चौथी बात थी कि मेरा भाई 6 साल से छोटा है मुझसे, तो उसके हम लोग शादी करने वाले थे, तो उसकी जो वाइफ आएगी वो ऐसी लड़की दो ना बापू कि जो जैसे मेरे पहले का घर, पहले घर में जो वातावरण था वैसे ही होना चाहिए। और ये मेरे बापू ने ना सच्ची एक एक चीज वैसे ही जैसे मैंने लिखी थी वैसे की। नेक्स्ट थर्सडे ही मुझे लेटर मिला, उसका रिप्लाई मिला कि प्रेमळ बालका दुखी होऊ नको, सर्वांसाठी रोज रात्रि 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, सबके लिए 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, दुखी मत होना, और तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में अभी पुनर्जन्म लेने के तैयारी में है। तो मुझे इतना आनंद हुआ, मिस मुझे मालूम पड़ा कि मेरी सिस्टर नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, बापू ने देहु आनंदी जाने का डिक्लेयर किया, रस यात्रा, तो मार्च मार्च 1998 की बात है, और सितंबर में हम लोग जाने वाले थे, 2 सितंबर, तो जिनको आने का है उन्होंने उनको उनका नाम देने का है। मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी बोलती नहीं अभी 6 महीना हुआ, तू क्या बोल रही है और तू किधर जा रही है, ये भगवान भिगवान कुछ भी नहीं है। तो मैंने, नहीं मम्मी मैं तो नाम दे रही हूँ, तू भी चल तुझे अच्छा लगेगा। तो बोलती है नहीं मुझे नहीं, मैं तो नहीं आने वाली। हो गया अश्वत्थ मारुति पूजन अगस्त महीना, तभी मैं लाइन में शादाश्रम में लाइन में खड़ी थी, और हम लोग 2 सितंबर 8-10 दिन के बाद देव आनंदी जाने वाले थे, मैं खड़ी थी। फिर से वो आई अक्षता आचरेकर, वो ही फ्रेंड सुषमा, मेरी फ्रेंड का मेरी बहन का कैंसिल हो रहा है, उसके एग्जाम है,
तू जाने वाली है? क्योंकि सिर्फ 1200 लोग थे और बाकी लोग वेटिंग लिस्ट पे थे। तो मैं बोली हाँ, मुझे तो मेरी तो इच्छा है कि मेरी मम्मी उसको लेके जाने का है, लेकिन वो मानती ही नहीं है, क्या करूँ मैं? तुम फिर से तुम मुझे क्यों बोल रही है? उधर वो बैठे हैं ना, उनको बोलो ना। ठीक है, मैं ऐसे ही लाइन से, तभी मैं वॉलंटियर नहीं थी, लाइन से गई और मैंने बापू को मन में ही बोला कि बापू मेरे मम्मी को बुद्धि दो ना कि रेहू आलंदी आने के लिए। और बापू ने मुझे ऐसे जो करके दिखा, मैं हूँ बस। तो मेरे पास तभी मोबाइल भी नहीं था, मैं बाहर गई और बाहर PCO से फ़ोन किया कि मम्मी क्या हुआ, तू आती है क्या, एक जगह है? तो मम्मी ने कुछ भी ना भी कुछ नहीं, मैं हाँ मैं रेडी, मैं आ रही हूँ। तो हम लोग मम्मी को लेके, देखो मीन्स ये बुद्धि में कैसे बदल करते हैं ये सद्गुरु। हम लोग मैं मम्मी को लेके गई, मैं मेरी मम्मी सब उसके मेडिसिन का बॉक्स, वो हार्ट पेशेंट, डायबिटीज़, हाई BP सब कुछ था, उसके सब मेडिसिन लेके हम लोग 3 दिन देव आनंदी गए। जिस दिन गए उस दिन बस में सत्संग, उस दिन सोए नहीं। नेक्स्ट डे उधर देहू आनंदी में सत्संग, और थर्ड डे हम लोग देहू में गए। 3 दिन सत्संग चालू था, बापू नाच रहे थे स्टेज पे, आई बापू दादा तीनों नाच रहे थे, विट्ठल का गजर चालू था। और इधर मेरी मम्मी अचानक खड़ी हुई और नाचने लगी, मैं फर्स्ट टाइम ये देख रही थी। और क्या हुआ उसके बाद मुझे मालूम नहीं। हम लोग बॉम्बे आए और एक भी मेडिसिन लेने का याद ही नहीं, इतने मेडिसिन सब लेके गए थे बिल्कुल याद नहीं। और हम लोग बॉम्बे आए तो मेरा भाई पूछता है, उधर ऐसी क्या बात हुई कि मम्मी जरा भी नहीं रोती है? तो मुझे याद आया लेटर में लिखा था कि मेरे मम्मी को बाहर निकालो। मालूम नहीं उधर क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उस दिन से आज तक मेरी मम्मी ऐसी रोई ही नहीं। याद आती है, लेकिन जो दुख था उसकी वो तीव्रता जो है ना, वो ये सद्गुरु कम करते हैं, वो बिल्कुल रोई नहीं, उसको बहुत सहन शक्ति मिली। इसके बाद मैंने मुझे नींद आती, हनुमान चालीसा स्टार्ट किया। हनुमान चालीसा से मुझे इतनी गहरी नींद आने लगी। ये 3 बातें हुई, और अभी चौथी बात थी मेरी भाभी जो लड़की आने वाली, वो अच्छी दो ऐसे मैंने बापू को बताया था। ये जब भी मेरे भाई की शादी हुई तभी मेरी भाभी 21 साल की थी। आज आपको सबको मालूम रहेगा 21 साल की लड़की मीन्स कितनी मैच्योरिटी, लेकिन जैसे मैंने बोला था वैसे ही मुझे बापू ने मेरी भाभी, वैसी ही वो लड़की निकली। वो लड़की को मैंने, वो ले मेरे भाभी को मैंने लेटर दिखाया, बापू का रिप्लाई दिखाया, और उसमें लिखा था तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में पुनर्जन्म लेने के तैयारी में है, और मुझे मालूम था कि वो ही मुझे दे सकती है। तो वो भी खुश हुई और उसकी शादी हुई इमिजिएट, उसको नेक्स्ट मंथ उसको, वो प्रेग्नेंट थी, उसने मुझे बताया। तो मैं बोली अभी ये मेरी सिस्टर ही आने वाली है, क्योंकि मुझे बापू ने, मेरे बापू ने बताया उसको। मैं बोला कौन बापू? उसको बापू कौन है कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि वो बॉम्बे की नहीं थी। तो मैंने, एक दिन तू मेरे साथ आएगी बापू के पास? तो बोली हाँ मैं आऊँगी। लेकिन एक उसके डिलीवरी होने तक उसको एक दिन भी बापू के पास आने को नहीं मिला, 9 महीने में एक भी दिन, क्योंकि उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हुआ। उसके बाद उसको डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था, और 7 महीने के बाद 8वां महीना चालू हुआ, और उसको वो वॉमिटिंग के कारण वो गिर गई, और ऐसी गिर गई कि पूरा पेट के ऊपर वो गिर गई, वो वॉमिट हुआ और उसके ऊपर से वो ऐसे गिर गई। इतना लगा उसको, उसके हाथ से खून आने लगा, इधर से खून आने लगा। तो हम लोगों ने उसको बॉम्बे हॉस्पिटल लेके गए, बॉम्बे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी की और बोले ये बच्चा नहीं, मिस इसको रखो ही मत, ये एबनॉर्मल होने वाला है, और इसका वजन सिर्फ 1250 ग्राम्स है और हाइट 58 सेंटीमीटर। तो ये बच्चा रखो मत, क्योंकि जो माँ से बच्चे को 3 जो वेंस रहते हैं, जो वेंस से अन्न उसको मिलता है, तो एक वेन नहीं है उसको। ये सब सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स देख के मैं बोली नहीं, बापू ने तो लिखा है तुम्हारी बहन आने वाली है, नहीं हम लोग सेकंड ओपिनियन लेंगे। तो हम नानावटी में गए, वो नानावटी के डायरेक्टर डॉक्टर नटराजन उनको दिखाया, उन्होंने सोनोग्राफी की, उन्होंने भी सेम यही रिपोर्ट दिया कि 1250 है और ग्राम वजन है, और ये बच्चा एबनॉर्मल होने वाला है, सब वैसा का वैसा ही रिपोर्ट। मैं बोली नहीं, लेकिन मैं इतना फोर्स भी नहीं कर सकती हूँ ना। फिर भी एक बार मैंने बोला मेरे भाई को कि
कि हम लोग बापू को दिखाएंगे क्योंकि बापू ने ये सब लिख के दिया है। तो बोले ठीक है हम लोग जाएंगे बापू दादा, हम लोगों ने डॉक्टर सुचित दादा दादा सुचित दादा के पास आए, उनको रिपोर्ट्स दिखाए। दादा ने रिपोर्ट्स देखते ही बोले कि कुछ नहीं होने वाला है, सब नॉर्मल होने वाला है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ऐसे देखते ही बैठे दादा के पास। तो दादा ने हम लोगों को पूछा, बापू को पूछो क्या? तब भी आज समझते, लेकिन तब भी हम लोगों ने उनको हाँ बोला। और दादा ने बोला नेक्स्ट डे फ़ोन करो। नेक्स्ट डे दादा बापू वो रिपोर्ट्स भी रखे नहीं, हमारे को रिपोर्ट्स लेके जाओ। ठीक है, दादा ने बापू को पूछ के हम लोगों को बताया कि बापू ने बोला है कि नहीं ये सब नॉर्मल होने वाला है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ ये मंगलवार और नेक्स्ट मंगलवार दो पूजा करने के लिए बोला है, अथर्वशीर्ष सहस्त्रावर्तन और कुल देवता की शांति, ये दो विधि करने के लिए बताया। सिर्फ 8 दिन थे हमारे पास, वो हम लोगों ने किए। और हम लोग डॉक्टर नटराजन के पास गए नानावटी में, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोलते कितना दिन निकाला अपने, 8-10 दिन हो गए, अभी ऐसा टाइम निकाल के नहीं हो, मीन्स जल्दी करना चाहिए। हम लोग बोले फिर से डॉक्टर एक बार सोनोग्राफी करके तो देखो। डॉक्टर बोले हाँ मैं करके देखता हूँ। उन्होंने पहले करी फाइल देखी, 1250 ग्राम वजन था, 58 सेंटीमीटर हाइट, और वो वेन नहीं दिख रहे थे। फिर से सोनोग्राफी किया तो डॉक्टर खुद बोले मिराकल, मिराकल बोल के ऐसे ऊपर देखा उन्होंने। तो हम लोग बोले क्या हुआ? तो 2050 वजन 8 दिन में और 64 हाइट, 64 हाइट और तीसरी वेन दिखने लगे थे। तो डॉक्टर बोले कुछ तो एक शक्ति है, वो तुम्हारे पीछे है। तो हम तभी भी हम लोगों ने बोले हमें मालूम है कौन है वो, मुझे मालूम है। उसके बाद हम लोग हमारे गायनेक डॉक्टर चौबल जो खार में है उनको दिखाया। वो बोलते हैं अरे तुम्हारे सास ने क्या इतना खाने के लिए दिया कि इतना वजन 8 दिन में बढ़ गया? तो बोलते मेरी सास तो मुझे दे रही थी लेकिन मेरे पेट में कुछ भी नहीं जा रहा था, इसके लिए वो वॉमिट सब स्टार्ट हुआ था। तो अभी तो ये वजन कैसे बढ़ गया? तो तभी भी हम लोगों ने बोला ये हमारे सिर्फ बापू के कारण। तो वो ऐसे देखते ही बैठे। उसके बाद उन्होंने हम बताया कि अभी आप दिन बताओ और तभी हम लोग ये सीजरिंग करेंगे, अभी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले ठीक है, 11 फेब्रुअरी 1999 ये थर्सडे था, इसके लिए हम लोगों ने उस दिन डिलीवरी करने का ऐसे सोचा, सीजरिंग करने का। हम लोग गए हॉस्पिटल में तो सिस्टर्स बोलने लगे सब ज्वेलरी निकालो अभी सीजरिंग करने का है। तो मैंने उसके गले में तब तक एक काला धागा और एक बापू का लॉकेट जो आर्टिफिशियल छोटा सा लॉकेट मिलता है उसमें, अभी तो इसमें क्लियर फोटो दिखता है लेकिन वो टाइम जो लॉकेट्स मिलते थे एकदम छोटे लॉकेट्स, उसमें एकदम क्लियर फेस भी नहीं था। फिर मैंने वो डाला था और मैंने उसको बोला था ओम मनस सामर्थ्य दाता श्री अनिरुद्ध नमः, ये जप चैंट करो, ये बोलते ही रहो बोलते ही रहो। वो डिलीवरी होने तक उसका वो मंत्र चालू था। और लास्ट में तो वो लिख नहीं सकती थी, उसने एक नोटबुक पे ये ओम मनस सामर्थ्य दाता श्री अनिरुद्ध नमः ये लिखना स्टार्ट किया था। और ये लॉकेट मत निकालो, सब ज्वेलरी निकालो क्योंकि ये तो धागे में है, ये लॉकेट मत निकालो। सिस्टर्स बोले हाँ ठीक है वो नहीं निकालेंगे। और वो पकड़ के वो ओम मनस सामर्थ्य दाता श्री अनिरुद्ध नमः ये कंटिन्यूअसली उसका वो चैंटिंग चैंट कर रही थी। और सीजरिंग हुआ, डॉक्टर बाहर आए और डॉक्टर बोले गुड न्यूज़। तो बोले क्या हुआ? लड़की हुई और वो 8.5 पाउंड, अभी देखो 8.5 पाउंड मीन्स नॉर्मल से भी ज़्यादा, 8.5 पाउंड इस वजन में आपको आप समझ सकते हैं। और डॉक्टर क्या बोल रहे थे कि इसका वजन ही नहीं बढ़ रहा है, वो एबनॉर्मल होने वाला है, और अभी वजन देखो 8.5 पाउंड। क्या किया? सिर्फ सदगुरु का शब्द, दादा का शब्द, बापू का दादा का शब्द बस। अगर हम डॉक्टर का सुनते थे, और वो डॉक्टर का भी बराबर था, ऐसा कुछ नहीं, सोनोग्राफी में रिपोर्ट्स तो वैसे ही थे, अगर वो हम सुनते तो आज क्या होता था? तो इसके बाद डॉक्टर बोले अरे अभी तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 दिन मैं उसको सलाइन पे रखता हूँ और 2 दिन के बाद आप टिफिन लेके आओ घर से। तो बोले ठीक है। थर्ड डे मैं उसको टिफिन लेके गई 12 बजे, तभी बराबर 12 बजे थे, और उसकी एक रूम सिर्फ ऊपर थी और स्टेयरकेस से मैं ऊपर जा रही थी, ऊपर गई तो मेरी भाभी ऐसी मेरी जैसे अभी मैं बैठी हूँ वैसी बैठी थी, और पूरा पसीना जैसे स्नान करते हैं ना वैसा उसको पसीना पसीना और पसीने से पूरी भीग गई थी। तो
मेरे क्या हुआ, कुछ सपना देखा क्या? तो नहीं, मैं दीदी मैं ऐसे ही बैठी हूँ, मैं सोई नहीं थी। तो ये ऐसे भीग क्यों गई है, इतना बस स्नान किया? नहीं। तो बोले ये क्या है, जैसे स्नान किया वैसे ही वो दिख रही थी और एकदम डर गई थी, बात करने को नहीं जम रहा था। मैंने क्या हुआ क्या? तो बोलती अभी एक आदमी आया था ये दरवाजे पे ऊपर, तूने नहीं देखा? क्योंकि वो स्टेयरकेस और एक ही रूम थी। मैं बोली नहीं, कौन था? कोई नहीं गया इधर से। नहीं, अभी एक आदमी आया था। हाँ तो क्या हुआ, तूने पहचाना नहीं होगा, कोई हमारा रिलेटिव होगा, कोई चाचा मेरा कजिन हो सकता है। तो बोलती है नहीं, वो आदमी अलग था। मैं बोले क्यों, लेकिन मैं ऐसा क्या हुआ? उसको देखने से ही वो ऐसे कांप रही थी। तो बोले क्या हुआ, कैसा था वो आदमी? तो एकदम लंबा चौड़ा और उसकी मूछें ऐसी थी, बड़ी बड़ी मूछें। तो बोले कौन ऐसा रिलेटिव हमारा रहेगा, मैं सोच रही थी, लेकिन कुछ कोई भी मिस ध्यान में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद वो बोल रही थी कि वो उसने कपड़े कैसे पहने थे, कपड़ा वाइट शर्ट ब्लैक पैंट। फिर भी मेरे ध्यान में नहीं आया कौन कौन रहेगा। मैं बोले कौन रहेगा कौन रहेगा। बाद में मैंने छोड़ दिया, 3 महीना हो गया। उसके बाद मैंने उसको बताया कि चलो अभी बापू की कृपा से ये सब कुछ अच्छा हुआ, नहीं तो हम लोग क्या करने वाले थे। हम डिसिल्वा में जाएंगे और बापू का दर्शन देंगे। तो वो बोली ठीक है। और हम वो छोटे 3 महीने के बच्चे को लेके उधर डिसिल्वा में आए। तो वॉलंटियर्स बोले आप लाइन में मत खड़े रहो, ये इतने छोटे लड़की को लेके लाइन में किधर खड़े रहते हो, अंदर जाइए। हम जैसे अंदर गए और मेरे भाभी ने स्टेज पे देखा और वो जोर से चिल्लाई कि दीदी दीदी वो आदमी आया था उस दिन, वो आदमी आया था, वो स्टेज पे बैठा है ना। बोले अरे ये तो बापू है। तो बोलती ये बापू है? तो बोले हाँ, क्यों ऐसा क्यों तुझे सरप्राइज? तो बोलते हैं अरे बापू मीन्स मुझे ऐसे लग रहा था उन्होंने भगवा मीन्स ऑरेंज कपड़ा पहना हुआ होगा, दाढ़ी रहेगी, ऐसे अलग ही मेरे आँख के सामने, क्योंकि उसने देखा ही नहीं था। और ये तो एकदम सिंपल आदमी दिखते हैं, अपने जैसे दिख रहे हैं। बोले हाँ वो एकदम सिंपल है। तो बाप रे, लेकिन यही आए थे। और हम वो बच्ची को लेके स्टेज पे गए, नमस्कार किया, तब तक चरण स्पर्श बंद हुआ था और आगे ऐसे रॉड लगाया था, रॉड के बाहर से ही हम लोगों ने दर्शन लिया। बापू ने इतना सुंदर आशीर्वाद दिया, लेकिन इसके मन में ऐसा था कि आपकी कृपा से ये सब कुछ अच्छा हुआ, अभी मेरे बेटी को तो लो, मेरे बेटी के इसको हाथ तो घुमाओ, ऐसे मन में था। लेकिन बापू ने नहीं लिया, इसके लिए उसको जरा बहुत फील हुआ। और वो आगे गई और उतरने वाली थी, तब तक मैंने तो आज तक नहीं देखा, बापू ने फिर से वॉलंटियर से बुलाया और बोला उनको बुलाओ। और वो बच्ची को लिया और पूरा उसके बॉडी के ऊपर ऐसे हाथ घुमाया और हमारे हाथ में दिया। और ये लड़की अभी 15 साल की है, वो SSC में है अभी, उसका नाम है जुई। देखो अगर हम वो डॉक्टर का सुनते थे तो क्या होता था, मीन्स जिधर साइंस खत्म होता है उधर अध्यात्म स्टार्ट होता है, या जो सदगुरु हमारे बोलते हैं, वैसे ही 2 जन्म का प्रारब्ध मीन्स कैसे बनता है बापू ने बताया। 2 जन्म का कर्म अपना और ये जन्म का क्रियमान, संचित और क्रियमान। जो हम लोग अच्छा कर्म करते तो अच्छा फल, बुरा काम करते तो बुरा फल, लेकिन अपने मालूम नहीं रहता है कि 2 जन्म में क्या किया है। ऐसे ही मेरे कुछ भोग थे, इतना बड़े भोग थे, लेकिन ये सब सिर्फ भोग मैंने बापू के कारण ही। और अभी हमारे घर में देखोगे आप तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। वो ये क्यों आनंद है मैं कुछ रीजन नहीं बोल सकते, सिर्फ आनंद आनंद आनंद। हरिओम।